ऐसा शहर है जहां पर हर रोज आबादी का दबाव बढ़ता जाता है, इसीलिए जब यहाँ का नगर निगम होता है तो उसका बजट भी उतना ही भारी भरकम होता है। यही कारण है कि हमेशा भ्रष्टाचार के आरोप भी लगते रहते हैं। लेकिन इस बार अगर आम आदमी पार्टी की तरफ से उंगलियां उठ रही हैं बीजेपी की तरफ, तो बीजेपी की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कट्टर ईमानदार नहीं, कट्टर भ्रष्ट। अब इन दोनों में से तथ्यों के आधार पर और अभी चल रही खबरों के आधार पर लोगों को लेना है फैसला। ये पोस्टर फिल्मी नहीं सियासी है और बीजेपी हर पोस्टर को जीत का औजार मान रही है। कहीं शराब घोटाले का आरोप, कहीं महाठग सुकेश की चिट्ठी, तो कहीं सत्येंद्र जैन की जेल मालिश का वीडियो। गर्व के साथ पूरे देश के सामने कह सकते हैं केजरीवाल कट्टर ईमानदार है, हमारी पार्टी कट्टर ईमानदार है। एक भ्रष्टाचारी सरकार के अलावा आम आदमी पार्टी ने दिल्ली को कुछ नहीं दिया। कौन है कट्टर भ्रष्ट और कौन है कट्टर ईमानदार, ये जनता तय करेगी। लेकिन फिलहाल सत्येंद्र जैन के वीडियो ने चुनाव को राष्ट्रीय बना दिया है, जिसका जिक्र दिल्ली में भी हो रहा है, गुजरात में। झूठे वायदे करके कुछ सीटें जीतकर ये स्वार्थी समूह सरकारों में आकर सिर्फ अपने हित साधते रहते हैं। ये लोग खुद को कट्टर ईमानदार कहते हैं लेकिन सबसे बड़े भ्रष्टाचारी यही होते हैं। जेल के अंदर जेल वाला माहौल नहीं, और इस माहौल के सहारे बीजेपी जीत का माहौल बनाने में लगी है। जेल से वीडियो की पूरी सीरीज बाहर आती रहती है। ये कितना चिंताजनक है हमारे लोकतंत्र के लिए, क्यों ये खतरा है, क्यों ये दिखाता है कि आज आम आदमी पार्टी स्पा मसाज पार्टी बन चुकी है। क्यों ये ना पूछा जाए अरविंद केजरीवाल जी से कि आपकी चुप्पी क्यों है आखिर। सत्येंद्र जैन साहब बहुत ही कट्टर जैनी परिवार से आते हैं और जैन धर्म के सारे असूलों का पालन करते हैं। उन्होंने जिंदगी में कसम खाई हुई है कि जब तक सवेरे में मंदिर नहीं जाऊंगा मैं खाना नहीं खाऊंगा, शाम को सूरज गिरने के बाद जब शाम हो जाती है तो वो खाना नहीं खाते। जब से वो जेल में गए हैं तब से वो मंदिर नहीं जा सकते, तो मंदिर नहीं जाते तो वो खाना नहीं खाते। आपको ये जान के ताज्जुब होगा पिछले 6 महीने से जब से वो जेल में है उन्होंने अन्न ग्रहण नहीं किया, वो केवल थोड़े से फ्रूट्स और सैलेड के ऊपर जिंदा है। दरअसल एमसीडी चुनाव में हर बार भ्रष्टाचार का मुद्दा उठता है, पर अब तक वो करप्शन एमसीडी कर्मियों को लेकर होता था। इस बार तस्वीर उल्टी है, पर निगम भ्रष्टाचार पर भी हमने सवाल पूछे। आपको लगता है सत्येंद्र जैन की वीडियोस लोगों के मन पे असर डालेंगे इन चुनावों से पहले? मुझे लगता है कि असर डालना चाहिए और साथ ही लोगों को पता होना चाहिए कि जो दुनिया भर को बेईमान का सर्टिफिकेट देते हैं, खुद को ईमानदारी का सर्टिफिकेट देते हैं, वो बेईमान मंत्रियों के साथ उलझे हुए व्यक्ति हैं। बेईमान होने के नाते 6 महीने से व्यक्ति जेल में है और 6 बार उसकी जमानत जो है वो रिजेक्ट हो चुकी है कोर्ट में, और उस रिजेक्शन के बावजूद उसको मंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिलवाया, किस बात का डर है? और जेल के अंदर उसको सब सुख सुविधा प्रदान की जा रही है। दिल्ली की चढ़ती हुई सर्दी में इन मुद्दों के बीच सियासत का पारा चढ़ता जा रहा है। आपसे अनुरोध करता हूं कि इस बार एमसीडी में केजरीवाल को मौका दें।